Well, ओम ज्ञान तिमिरांध ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकरामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम् श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम् सहगण ललिता विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आइए प्रिय बहन भाइयों भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन कीजिए कुछ मिनट के लिए, उसके बाद सत्संग प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम रामा राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे हाँ हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल राधा माधव हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोलो ना हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल राधा
हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, गोविंद माधव हरि हरि बोल, गोपाल माधव हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि हरि ओ हो, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, केशव कृष्णा हरि हरि बोल, राधे कृष्णा हरि हरि बोल, कृष्णा कृष्णा हरि हरि बोल, राधे राधे 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 हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, राधा माधव कुंज बिहारी ओ, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजन रंजन, यशोदा यशोदानंदन ओ हो आ, यशोदानंदन ओ यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदा नंदन ब्रजजन रंजन, यशोदा नंदन ब्रजजन रंजन, यशोदा नंदन यशोदा नंदन यशोदा नंदन यशोदा नंदन यशोदा नंदन ब्रजजन रंजन, यशोदा नंदन ब्रजजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदा 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 यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, जमुना तीरादन चारी, जमुना तीरादन चारी, राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरि हरि, हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai 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 Jai Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Prabhupada. Sansar Davan Lidloka Tranay Karun Ghana Ghanatam Pratash Kalyan Gunanavashav Pratash Kalyan Gunanavashav Bande Guru Shri Charanarvindam Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Gurudev Jai Jai Gurudev Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Gurudev Jai Jai Gurudev 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 Jai Gurudev Jai Jai Shri Rupa बोले श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय जय उतार ओ ओम ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितम् तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा वयम्
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीन तारणं श्री गुरु दीन तारणं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। ओ शांति शांति शांति। जय आई मेरी प्रिय बहन भाई, आज अच्छा दिन है। हम यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं सत्संग के लिए। भगवान श्री कृष्ण की भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई परम वाणी जो सनातन धर्म को सदैव स्थिर रखती है, आज हम उसका आनंद लेने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो लीजिए इसका आनंद। हम श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 17वां अध्याय भागवत गीता का बहुत ज्ञान भरा है। यूं तो भगवान का एक एक शब्द परम मुक्ति का दाता है, लेकिन फिर भी ज्ञानियों की दृष्टि में श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अध्याय बड़ा ज्ञान पूर्ण है। इसमें से जैसे किसी उबलते हुए चावलों में से एक चावल को निकालकर देखने से मालूम चल जाता है कि चावल उबले कि नहीं, सीजे कि नहीं, एक चावल से ही तो विदित हो जाता है कि अभी कच्चे हैं या उबल चुके हैं पूर्णतया। इसी प्रकार से एक श्लोक से ही हम इस सत्संग को प्रारंभ करते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के संदेह को दूर करने के लिए ये समस्त भागवत गीता उच्चरित की। संदेह एक अच्छी बुद्धि की निशानी है। यदि उस संदेह से परम ज्ञान की प्राप्ति होती हो, व्यर्थ का संदेह नहीं,
व्यर्थ का संदेह तो मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। संदेह भी ना कहिए, कहिए कि प्रश्न। अर्जुन के हृदय में प्रश्न था। पहला प्रश्न था, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रच्छामी त्वाम अधर प्रच्छामी त्वाम धर्म समूढ़ चेता यच्छेय निश्चितम तन्मि ब्रूहि तन्मि शिष्यते अहम शादी मां त्वाम प्रपन्न। हे भगवान, कृपणता के कारण, मेरी कृपण बुद्धि के कारण, कृपण भावना के कारण मैं धर्म के विषय में कुछ भ्रमित सा हो गया हूं। अतः आपके श्री चरण कमलों में निवेदन करता हूं कि मुझे वह मार्ग बतलाइए, वह उचित यच्छेय जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो। अर्जुन तो कहना चाहते हैं कि वो सभी के लिए श्रेष्ठ हो, लेकिन यहां सभी को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं अर्जुन, अपने को ही प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्जुन एक आत्मा है, तपी हुई आत्मा, भगवान का परम शुद्ध भक्त, भगवान का अंतरंग सखा। जब जब भी भगवान प्रकट होते हैं कहीं भी, किसी धाम में, किसी लोक में, तो अर्जुन को अनेक बार साथ लेके प्रकट होते हैं। ऐसे अंतरंग सखा अर्जुन द्वापर युग के सखा नहीं, भगवान के परम धाम के सखा, अंतरंग सखा, जो एक दूसरे की बात को एक दूसरे से छुपाते नहीं, कह देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा कि अर्जुन, जो ज्ञान में तुम्हें दे रहा हूं यही ज्ञान अनादि काल में सृष्टि के प्रारंभ में सूर्यलोक के राजा विविश्वानु को मैंने दिया था, और विविश्वानु ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को इसे दिया था। वैवस्वत मनु ने अपने उपरांत किसको दिया था, कोई बतला सकता है? नहीं बतला सकते, क्योंकि गुरु परंपरा से ज्ञान आ रहा है। इक्ष्वाकु महाराज को वैवस्वत मनु ने यह ज्ञान दिया था। इक्ष्वाकु महाराज श्री रामचंद्र भगवान अयोध्यापुरी के भगवान, उनसे, उनके प्रकट होने से बहुत पहले अयोध्या के राजा थे और भगवान के अटूट भक्त थे। यही ज्ञान इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप स एवं मयाति अद्य योग प्रोक्त पुरातना क्यों भक्तो असी में सखा चेती रहस्यम हेतद उत्तमम। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है और मेरा मित्र भी है, इसलिए अति अद्भुत रहस्य, परम रहस्य, गोपनीय रहस्य, गोपनीय बात, गोपनीय ज्ञान आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। जो ज्ञान गुरु परंपरा से चला आ रहा था, लेकिन ये द्वापर के अंत में यानी इस मौजूदा समय में ये प्राय नष्ट हो गया है इस धराधाम से, इस पृथ्वी लोक से। इसलिए मयाति अद्य, इसलिए मैं उसी ज्ञान को तुम्हें दे रहा हूं। तब अर्जुन ने संदेह किया कि अरे कन्हैया, मेरा और आपका जन्म तो अभी हाल का है, हो सकता है तुम मुझसे दो चार छह महीने बड़े हो, साल दो साल बड़े हो, और बात करते हो सृष्टि के प्रारंभ की, कि यही ज्ञान मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्यलोक के राजा विश्वानु को दिया।
विविश्वानों ने वैवस्वत मनु को दिया। वैवस्वत मनु ने इक्ष्वाकु महाराज को दिया। ये मैं कैसे मान लू खड़ी है, हमारा और आपका तो अभी का जन्म है। मैं कुंती माता से पैदा हुआ और आप देवकी मैया से, कुछ छोटा बड़ा थोड़ा फर्क हो सकता है। तब भगवान ने कहा है अर्जुन का संदेह निवारण करने के लिए, इस प्रश्न को गिराने के लिए, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव च अर्जुन तान्य हम वेद सर्वाणी नापम वेद परंतपा। हे परंतप, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम उन्हें भूल जाते हो और मुझे सब याद रहते हैं। सब अगर हजारों जगह हजारों पृथ्वियों पर मैं प्रकट हुआ हूं, मैंने जन्म लिया है, तो सब मुझे रेल की तरह दिखाई देते हैं ऐसे कि कहां कहां कब कब किस किस पृथ्वी पर किस किस माता पिता के घर में मैं प्रकट हुआ। आज मैं देवकी वसुदेव जी का पुत्र बनकर प्रकट हुआ, यशोदा माँ नंद बाबा के आंगन में खेला, ब्रज की माटी खाई जो मेरे भक्तों की चरण रज, प्रेमी प्रेमिकाओं का माखन चुराया, चुरा चुरा के खाया, और बड़ी अद्भुत लीलाएं की, अहंकार को नष्ट किया, इस पृथ्वी के राजा कंस के अहंकार को भी, जरासंध शिशुपाल के अहंकार को भी, दंतवक्र के अहंकार को भी, और स्वर्ग के राजा इंद्र के अहंकार को भी। कंस रूपी अहंकार ने बहुत से, क्योंकि अहंकार से तो तरह तरह के शाखा उपशाखाएं अहंकार की प्रकट होती हैं। कंस रूपी अहंकार ने अनेकों शाखा और प्रकट शाखाओं को भेजा प्ले करने के लिए, श्री कृष्ण का वध करने के लिए, परम भगवान का वध करने के लिए अहंकार खड़ा होता है। भगवान ने उन सभी अहंकार को और अहंकार की शाखा उपशाखाओं से लेकर और तने और जड़ तक को पूर्णतया नष्ट कर दिया, उस अहंकार का ही उद्धार कर दिया। हालांकि वो अहंकार रूपी असु भगवान की और उन्हें मारने के तात्पर्य से आगे बढ़े, उन्हें अपमानित करने के तात्पर्य से आगे बढ़े, फिर भी भगवान ने उनका कल्याण किया। तो सोचिए, कोई भक्त विदुर जैसे भक्त, सुदामा जैसे भक्त, मीराबाई जैसी भक्ति, यदि भगवान की तरफ एक तारा पर कृष्ण नाम गाती हुई, मनोहर गीत सुनाती हुई, प्रभु के भक्ति रस में आनंद लेती हुई, विभोर आत्मविभोर होती हुई वृंदावन और द्वारका पहुंचती है, तो जरूर भगवान उन्हें मिलते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, उन्हें सदैव सदैव के लिए अपने धाम में अपना निजी पार्षद बनाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्जुन को, अर्जुन ने तो कहा हर तरह से, जब भगवान का विराट स्वरूप के दर्शन किए तब कहा कि आप, अब मैं मान गया पूरी तरह से आप साधारण व्यक्ति नहीं है,
या कोई योगी या कोई आप परम धाम है, परम धामम पवित्रम परमम भवान, परम से भी परम परमेश्वर है आप। अभी मुझे यकीन हो गया जब अर्जुन ने एक ही स्थान पर खड़े भगवान को अनंत रूपों में देखा, अनंत भुजाओं के साथ, अनंत पांव बेली पेटों के साथ, अनेक मुखों के साथ। कहां गया था अर्जुन, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि प्रभु प्रभु मैं ये रूप नहीं देख सकता, मुझे मैं भयभीत हूं, देखो मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मुझे क्षमा करो, आप मुझे ये रूप मत दिखलाओ, मुझे तो आपका सौम्य रूप के दर्शन कराओ। फिर भी भगवान ने अर्जुन को, अर्जुन का संदेह पूर्णतया विनष्ट करने या उन्हें परम श्रद्धा के बीज उनके हृदय में स्थापित करने चतुर्भुज रूप दिखलाया, भगवान विष्णु का रूप दिखलाया, नारायण का रूप दिखलाया कि अर्जुन ये चतुर्भुज नारायण का रूप भी मैं ही। फिर भगवान ने द्विभुज श्याम सुंदर भगवान दोनों भुजाओं से दोनों हाथों से मुरली वादन कर रहे हैं, वो श्याम सुंदर ने अपना परम रूप के दर्शन कराए। फिर सारथी के रूप में वही कवच कुंडल धारण किए हुए, घोड़ों की रास पकड़े हुए, कुरुक्षेत्र के मैदान में धूल दूसरी केश शरीर, तब अर्जुन ने चरण पकड़ लिए कि आप साधारण नहीं, आप परमेश्वर परम पवित्र है, परम धाम है, परम आश्रय है, अनंत ब्रह्मांडों के नायक है। मैं जान गया हूं प्रभु, मैं समझ गया हूं प्रभु, भगवान को जानने के लिए भगवान के चरणों की शरण तो लेनी पड़ेगी, और तो कोई मार्ग नहीं है। क्या है, यदि किसी को जानना हो तो उसके संपर्क में आना पड़ता है। यदि हमें देश के किसी बड़े आला अफसर को जानना हो, उसकी दिनचर्या को, उसके कार्यकलापों को, तो उनके नजदीक तो जाना पड़ेगा, उनको पहचानना पड़ेगा, उनकी संगत में बैठना उठना पड़ेगा, तब कहीं कुछ उनकी समझ में, उनकी बातों की समझदारी पैदा होगी। तो उस परमेश्वर को जानने के लिए उनके पवित्र नामों का हम जप करें, कीर्तन करें, उनको कोई पुष्प अर्पण करें, तो भगवान का भगवान की अनुभूति होती है, भगवान की अनुभूति होती है। भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रियतात्मना। जो कोई मेरा भक्त श्रद्धा से प्रेम से मुझे जंगल का फूल भी अर्पण करता है, या कोई पत्ता तुलसी का पत्ता, कोई हरा पत्ता भी अर्पण करता है, कोई घास का पत्ता भी अर्पण करता है, थोड़ा एक जल शुद्ध जल और कोई फल, अश्नामी प्रियतात्मना उस प्रिय भक्त के हाथों से मैं खाता हूं, मैं स्वीकार करता हूं उसका अर्पण किया हुआ।
जब एक कन्या की शादी नहीं हुई लेकिन सगाई हो गई है किसी के साथ, जैसे पुराने समय में और अभी भी प्रचलन है कि माता पिता किसी अच्छे वर को देख करके अपनी कन्या का संबंध जोड़ देते हैं, सगाई कर देते हैं। कन्या नहीं जानती वर के बारे में विशेष तरह, कुछ थोड़ा फोटो देख लिया है किसने ला दिया या दो चार बातें सुन ली, लेकिन पूर्णतया नहीं जानती कि मेरा होने वाला पति कैसा होगा। लेकिन जब शादी होके जाती है, पहला दिन बिताती है, दूसरा दिन बिताती है, ऐसे दो चार छह महीने बीत जाते हैं, तो पूर्णतया वो जान जाती है पति के स्वभाव को, पति की चाल चलन को, पति की व्यवहार को। और वो पूरी तरह से बता सकती है कि मेरा पति का स्वभाव ऐसा है। संपर्क में आने से तो हम भगवान को नकारते हैं, शास्त्रों को नकारते हैं, साधुओं पर श्रद्धा नहीं है, शास्त्रों से श्रद्धा उठ गई है, गुरु बनाना तो भूल ही गए हैं संसार में, कि कोई हमारा भी एक गुरु हो जो हमको वो आध्यात्मिक दूसरे जगत का ज्ञान प्रदान करे, वो हम भूल गए हैं। जीवन में गुरु तो बनाते हैं, प्राइमरी में जाते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, अनेकों गुरुजियों को प्रणाम करते हैं कि गुरुजी हमको साइंस सिखा दो, गणित सिखा दो, इंग्लिश सिखा दो, कंप्यूटर सिखा दो, मोटर ड्राइविंग सिखा दो, साइकिलिंग सिखा दो, स्विमिंग सिखा दो। अनेकों गुरु हम अपने जीवन में करते हैं, पैसा बनाना सिखा दो, ये शरीर को सुदृढ़ करने के लिए, इस शरीर की सुरक्षा के लिए या शरीरों की सुरक्षा के लिए हम गुरु बनाते हैं अनेक गुरु, लेकिन हम शरीर नहीं है ये भूल जाते हैं, हम शरीर नहीं ये भूल जाते हैं, हम तो शुद्ध बुद्ध आत्मा है, सत चिदानंद आत्मा, भगवान के अंश है, हम इटर्नल है, फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ नॉलेज। भूल जाते हैं हम इस बात, ये शरीर को तो सुरक्षित करने के लाखों उपाय करते हैं। मुझे एक कथा याद आती है, एक राजा ने अपने किले को बड़ा सुदृढ़ बनाया, सभी ओर से उसके बड़े बड़े मजबूती के काम किए, मजबूत दीवारें बनाई और अंत में एक ही दरवाजा प्रवेश करने के लिए या निकलने के लिए, सारे बड़े महल में किले में एक ही दरवाजा रखा ताकि कोई दुश्मन अटैक करे तो एक दरवाजा भी बंद कर दिया जाए, स्ट्रॉन्ग लोहे का दरवाजा, तो फिर अटैक नहीं हो पाएगा, आक्रमण नहीं हो पाएगा। आखिर जब एक दिन उनका एक मित्र राजा उनसे मिलने आया तो दोनों आपस में महल के दरवाजे के बाहर खड़े बात कर रहे थे, सारा महल दिखा दिया, फिर बात कर रहे थे कि देखो पसंद आया मेरा महल, चारों तरफ से मैंने कोई दरवाजा नहीं रखा, एक ही दरवाजा रखा है, देखता हूं कैसे कोई दुश्मन अटैक करे। दूसरे राजा ने कहा कि मैं भी ऐसा ही महल बनवाना चाहता हूं, मैं भी आपके जैसा ही महल बनवाऊंगा। तभी एक फकीर पास में ही नजदीक में बैठा था पेड़ के नीचे, वह खिलखिला के हंस पड़ा। राजा ने कहा, अबे क्यों हंसता है, तुझे क्या हुआ? खड़ा हो गया
मेरा हाथ जोड़ करके, महाराज आपकी बातों को सुनकर इनकी हंसी आ गई। लेकिन एक मैं आपको सजेशन देता हूं, एक काम कीजिए, आप इस एक दरवाजे को भी मजबूती से बंद करवा दीजिए, दीवारों से चुमा दीजिए, ताकि कोई दुश्मन इसमें भी, और आप अंदर हो जाइए, इसको भी मजबूत पत्थरों से चुमा दीजिए, तो फिर दुश्मन आपका क्या बिगाड़ सकता है। फकीर ने बात तो कांटे की कही थी और उसकी बात उस महाराज को चुभ भी गई। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने शरीरों की सुरक्षा के लिए सारा जीवन प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम शरीर नहीं हैं, हम ये शरीर नहीं है। शरीर तो प्रकृति के 24 तत्वों से बनकर के प्रकट होता है, और ये 24 तत्व ही एक दिन खत्म हो जाते हैं। ना जाने आपके ये शरीर कितनी बार गिर चुके हैं, मृत्यु के मुंह में जा चुके हैं, लेकिन आप जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि आप सच्चिदानंद आत्मा है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न च एनम कलेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा का तो नाश नहीं है, कन्हैया कहते हैं, इसको तो कोई कैसा भी अस्त्र शस्त्र छेदन नहीं कर सकता, कोई वेगवती वायु इसको सुखा नहीं सकती, कोई प्रचंड ज्वाला इसको जला नहीं सकती, और कोई भी जल इसे गीला करने में या गलाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये तो स्पिरिचुअल पार्ट एंड पार्सल भगवान का एक अंश है, आध्यात्मिक अंश, इसकी मृत्यु नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न च एनम कलेदयन्त्यापो ना शोष्यति मारुतः। इसको तो कोई तूफान भी सुखा नहीं सकता, क्योंकि भगवान का अंश है। ममेव अंशो जीव लोके जीव भूतः सनातना, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीवात्माएं हैं, ये सभी तो मेरे अंश है अर्जुन। ये तो ये छठी इंद्रिय मन के कारण, मन से मित्रता जोड़ने से, ये अपनी इच्छाओं को लेकर, अभिलाषाओं को लेकर, भौतिक संसार को भोगने के लिए, ये आत्मा जो शुद्ध बुद्ध है, सच्चिदानंद है, पवित्र परम पवित्र प्योर है, प्योर कॉन्शियस, ये नीचे उतरती है भोग करने के लिए, मन को साथ लेके। मन इसका एक तरह से जैसे आप कभी ट्रैवलिंग करने जाते हो, कोई दूसरे देश में या देश विदेश में, और वहां किसी गाइड को आप पकड़ लेते हैं कि भैया हमको जरा ये शहर घुमा दो, तो गाइड जैसे जैसे चलता है ऐसे ही आप चलते हैं, वो तेज गति से चलता है तो आप भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं कि वो चला हमारा गाइड। वो गाइड किसी रेस्टोरेंट में ले जाता है कि इसमें इसकी कॉफी बहुत स्वादिष्ट है, तो तुम उसके बात मानते हो और वहां कॉफी पीने बैठ जाते हो। वो कहता है देखो ये लिक्विड स्टॉक, इस पर तरह तरह की देशी विदेशी सभी शराबें मिल रही हैं, पैक बन के मिलते हैं, सुंदर लड़कियां पैक बनाती हैं, पी लो, आप पीने लगते हैं। वो ऊपर को उंगली करता है तो आप ऊपर को देखते हो, और नीचे को उंगली करता है तो नीचे को देखते हो ना। ऐसे मन है,
तो मन को ये आत्मा अपना गाइड बना लेती है संसार में भ्रमण करने के लिए, तब इसकी दशा थोड़ी डाउन जाती है, इसकी पवित्र भावना पर कुछ कलर रंग जमने लगता है, दूसरे रंग चढ़ने लगते हैं, संसार के रंग चढ़ने लगते हैं। पवित्र भावना पर, आप सबकी पवित्र भावना पर संसार के रंग चढ़ने लगते हैं, काला रंग है, नीला रंग है, लाल रंग है, कपोत कलर है, कबूतर के जैसा रंग, पीला रंग है, सफेद रंग है, ये नाना प्रकार के रंग आपकी उस पवित्र क्रिस्टल क्लियर भावना के ऊपर जमने लगते हैं, हल्की हल्की परतों से शुरू होते हैं और गहरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप संसार में उतरे हैं भोग करने के लिए, इस मन रूपी गाइड को लेकर के। और ये संसार की चमक दमक में, भोग विलासों के स्वादों में उस परमेश्वर को भूल जाने के कारण, उस परम पिता को भूल जाने के कारण हमारी दुर्दशा हो जाती है। एक बहुत सुंदर उदाहरण मैंने देता हूं आपको, मैंने सुना है किसी संत के मुख से, महावीर स्वामी की बहुत ऊंची प्रेरणा अपने शिष्यों को मिली, उसी में से एक छह पुरुष पैदल यात्रा कर रहे थे, मार्ग में कहीं जंगल में से उनको गुजरना पड़ा, उनको भूख ने बहुत सताया, पानी तो उनको मिल गया, झरने के स्रोत मिले, लेकिन भूख ने बहुत सताया, बहुत भूखे थे छह व्यक्ति। तो एक रास्ते में एक फल का पेड़ उनको दिखाई दिया जिनमें फल पके हुए थे, कच्चे पक्के सभी प्रकार के हजारों फल बधे हुए थे। वो उस पेड़ के वृक्ष के नजदीक पहुंचे, उनमें से पहला व्यक्ति बोलता है, अरे इस पेड़ को जड़ से उखाड़ लो जल्दी से, हम बहुत भूखे हैं, अगर इस पेड़ को जड़ से उखाड़ेंगे तो सारा वृक्ष गिर जाएगा और फटाफट हम फल खा लेंगे, सब तृप्त हो जाएंगे। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कहा, अरे मूर्ख, इस वृक्ष जड़ से उखाड़ने की क्या जरूरत है, इसको तने में तने पर से काट देंगे तब भी तो हम फल खा लेंगे। ले तीसरे व्यक्ति को यह पसंद नहीं आया, उसने कहा कि तने पैसे क्यों काटते हो, इतना मोटा तना है इसका, काटते काटते ही हमारा बहुत समय चला जाएगा, अरे छोटी छोटी ऊपर की शाखा प्रकाशा शाखाओं को काट लो तब भी तो हम फल खा सकेंगे। चौथे व्यक्ति को यह भी मंजूर नहीं था, उसने कहा कि वो शाखा प्रशाखाओं को काटने की क्या जरूरत है, अरे पतली पतली टहनियों पे से उनको काट लो, उनमें ही तो फल लगे हुए, तो भी तो फल खा लेंगे, तृप्त हो जाएंगे। पांचवा व्यक्ति भी वहां मौजूद है, उसने कहा, नहीं भाई, वो छोटी छोटी टहनियों को भी क्यों काटते हो, अरे फल के बिल्कुल नजदीक जो पतली सी टहनी होती है वहीं से तोड़ लो तब भी तो हम फल खा लेंगे। छठा व्यक्ति को यह मंजूर नहीं है, छठा व्यक्ति को यह मंजूर नहीं है, वो कहता, अरे मूर्खो तुम पांचो मूर्ख हो, वो छोटी छोटी टहनियों को क्यों काटते हो, क्या टहनी हमको खानी, अरे फल तोड़ लो, फल तोड़ो, टहनियों से क्या लेना देना है, तब भी तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी, खुश हो जाएंगे खाकर। ऐसे वो वार्तालाप ही कर रहे थे तभी महावीर स्वामी वहां पर प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि मैं सब सुन चुका हूं, तुम क्या बातें कर रहे हो, भूखे हो ना, तुम अगर मेरी सलाह मानो तो इस वृक्ष के नीचे बैठ जाओ,
क्यों इस वृक्ष को तकलीफ देते हो, क्यों काटने की बात सोचते हो? कोई जड़ से उखाड़ रहा है, कोई तने से काटने की कह रहा है, कोई मोटी मोटी डालों को काटने की कह रहा है, कोई छोटी छोटी डालों को काटने की कह रहा है, कोई टहनियों की काटने की कह रहा है, कोई फलों की तोड़ने की कह रहा है। नहीं नहीं, तुम इस वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, देखो कितनी सुंदर शीतल छांव है। लेकिन बाबा हम तो भूखे हैं, मुझे मालूम है, तुम इसके नीचे बैठ जाओ और इंतजार करो, जो जो फल पकेगा वो टूट के अपने आप गिर जाएगा, उसको तुम खाना, वो स्वादिष्ट भी होगा और वृक्ष को तकलीफ भी नहीं होगी। ये तो महावीर स्वामी की वाणी का प्रभाव था, वो लोग शांत होकर बैठ गए वृक्ष के नीचे और वैसे ही किया, क्योंकि वो सभी छह महावीर स्वामी के ही फॉलोअर्स थे। लेकिन उनकी भावना में जो रंग भरे हुए थे ये अलग अलग प्रकार के थे। शिष्य तो गुरु के बहुत होते हैं, लाखों होते हैं, हजारों होते हैं, लेकिन भावना तो एक जैसी नहीं होती। महावीर स्वामी की बातों को उन्होंने सुना, माना, बैठ गए और जो जो फल वहाँ गिरा, पका हुआ फल जो प्रकृति ने अपने आप गिरा दिया, उसको ही खाया। महावीर स्वामी भी वहां बैठ गए और कहने लगे कि संसार में छह प्रकार के मनुष्य हैं। पहला मनुष्य वो है जो इस पेड़ को जड़ से उखाड़ के गिराने की कह रहा है, इसकी भावना पर काला रंग चढ़ा हुआ है, ब्लैक कलर, ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केट, ये सब पाप कर्म कर सकता है, ऐसी भावना के लिए। दूसरी पर नीला रंग है जो तने से काटने की कह रहा है। तीसरी की भावना पर कपोत यानी कबूतर के हल्का नीला कलर है, फिर लाल कलर वाला है, फिर पीले कलर वाला है, फिर एक अंतिम जो कह रहा है कि फलों को तोड़ लो, किसी टहनी को भी मत तोड़ो, वो भी कलर में है लेकिन सफेद कलर है। सफेद कलर भी कलर है, क्रिस्टल नहीं है, स्फटिक की तरह क्रिस्टल क्लियर नहीं है। स्फटिक तो महावीर स्वामी ही प्रकट हुए वहां पर, और स्फटिक भावना ही पवित्र भावना होती है। जिसकी भावना इतनी पवित्र है, जिस पर कोई संसार का रंग नहीं है, वही तो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है संसार से। बाकी रंग तो यही बंधन में डालते, ये हमारी भावना की सारी बात है। इसलिए तमाम पृथ्वी के शास्त्र हमारी भावना को शुद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं। कैसे? एक केन प्रकारेण आपकी भावना शुद्ध हो जाए, तभी आप ये भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं, उस प्रभु के धाम को जा सकते हैं, और कोई मार्ग नहीं है। उस परम पवित्र से मिलना है तो आपको परम पवित्र ही होना पड़ेगा, क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा। चाहे कुरान हो, गीता हो, बाइबल हो, बुद्धि बोधिसत्व हो, बुद्ध भगवान के या महावीर स्वामी के ध्यान करने की क्रियाएं हो, या विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाएं हो, या कृष्ण मूर्ति के उपदेश हो, या कोई महान बैरागी के ऋषि मुनियों के उपनिषद हो, वेद हो, ये सब आपकी भावना को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए प्रेरणा देते हैं कि तुम्हारे रोगों का, दुखों का कारण है कि तुम्हारी भावना पर कलुषित कुछ कालिक पुत गई है, तभी तो दुखी हो। जितने संसार में आसक्त हो, कामुक हो, क्रोधी हो, लोभी हो, अहंकारी हो,
ईर्ष्यालु हो, आसक्त हो, जितने गहराई से उतने आप दुखों में अधिक हैं। और जितने इन छह ऋतुओं का दमन करने वाला व्यक्ति दमन करके ऊपर आ जाता है, हल्का हो जाता है, उतने ही वो सुखी है, आनंद में है। ये तो विज्ञान है। जब आपको कभी कोई विशेष दुख की प्राप्ति हो तब समझना कि कोई जरूर कोई ऐसा बीज बोया था आपने जिसका फल आया है। और कभी अत्यंत सुखी आनंदित घड़ी आ जाए तो भी जानना कि जरूर कोई पूर्ण कर्म का ही फल उदय हुआ है और कुछ नहीं। कुछ शुभ कर्म किया है हमने, उसी का फल आया है। भाई बबूल के बीज बोएंगे तो आम थोड़ी लगेंगे, लग जाएंगे नहीं। बबूल के बीज बोएंगे तो कांटे ही पैदा होंगे, कांटों का एक वृक्ष पैदा होगा जो लाखों कांटे होंगे, क्योंकि बीज कांटे का बोया। एक्शन एंड रिएक्शन। आप बिजली के तार को पकड़ते हैं तो क्या धक्का नहीं मारता? मारता है। ऐसे ही हम जहां भी जो भी एक्शन करते हैं इस संसार में उसका फल कौन भोगे? हमको भोगना पड़ता है। अच्छा करते हैं अच्छा भोगना, और बुरा करेंगे बुरा भोगना पड़ता है। भगवान की शरण, शास्त्रों की शरण, संतों के सत्संग और गुरु के चरण कमल आपको कल्याणकारी मार्ग के दर्शन कराते हैं। आपकी भावना को पवित्र करके आपको उस परम परमेश्वर से मिला देते हैं। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यो पठेत प्रियतः पुमान विष्णो पदम अवाप्नोति भय शोक आदि वर्जिता। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीता, एको देवो देव की पुत्र एवं एको मंत्रश्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। भगवान विष्णु धरा देवी यानी हमारी पृथ्वी माँ इसको उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि हे देवी, एको देव, एक ही देव है, एक ही भगवान है, दो तीन चार नहीं। एको बहुना, भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को उपदेश करते हुए कहते हैं एको बहुना, वो एक ही बहुत नामों से जाना गया है, एक का ही विस्तार है तमाम। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, हे जन, हे मां, हे धरा देवी, मां तो हमारी है, विष्णु भगवान मां नहीं कह रहे, मेरे मुख से निकला। हे देवी, हे धरा देवी, एक ही तो देव है, एको देव, देव की पुत्र एवा, वो देवकी का पुत्र बन के तुम्हारे ऊपर ही आया, तुम्हारे वृंदावन में, गोकुल में, मथुरा में उनके चरण कमलों के चिन्ह आज भी अवशेष है। क्या आपकी भेंट नहीं हुई देवी? द्वारकाधीश 125 वर्ष तक यहां पर रह कर गए, क्या आपकी भेंट नहीं हुई देवी? फिर पूछती हो कि कौन है परम देव? एको देवम देव की पुत्र एवं,
एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, और एक ही शास्त्र है हे धरा देवी, वो देव की पुत्र के द्वारा गाया गया गीत। भगवान तो ज्ञान को भी गाके ही कहते हैं। अरे भगवान के हंस अवतार नारद जी को ही देख लीजिए, वो जो भी बात कहते हैं वो गाकर ही कहते हैं, नारायण नारायण, जो भी बात कहते हैं गा गायन विद्या में ही कहते हैं। तो परमेश्वर गोकुलेश वो भी तो अर्जुन को उपदेश करते हैं तो गाते हुए ही करते हैं, और उन्होंने गाकर के उपदेश किए, इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने गीता का संकलन किया, श्लोक बद्ध की गीता को, उनकी वाणी को वो भी गायन रूप में ही प्रस्तुत की, गाकर ही प्रस्तुत की। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते सरी तजन्तन्ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। प्रत्येक श्लोक बड़े सुंदर शब्द में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि घृणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यो अन्यानि संयाति नवानि देहि। गाके ही भगवान ने प्रस्तुत की। वेदव्यास जी महाराज स्वयं कृष्ण के मुख हैं, उन्होंने ही तो गीता का गायन किया, और गणेश जी महाराज ने अपनी कलम से लिखा कि लिखूंगा, लेकिन यदि आप गाते हुए रुक गए तो फिर मैं भी रुक जाऊं हमेशा के लिए, फिर मैं नहीं लिखूंगा, चला जाऊंगा। फिर बोलो ठीक है, मंजूर है, शर्त मंजूर है, प्रारंभ करो। बील पत्रों पर गणेश जी महाराज हिमालय में सरस्वती नदी के किनारे वेदव्यास जी महाराज की पर्ण कुटी पर बैठ करके गणेश जी महाराज प्रकट होकर लिख रहे हैं गीता को, और वेदव्यास जी महाराज गा रहे हैं। एकम शास्त्र हे भूदेवी, इस धरती पर शास्त्र है तो एकमात्र एक ही शास्त्र है जो पूरे विश्व का, पूरे आने वाले युगों की पीढ़ियों का कल्याण कर सकता है, वो है देव की पुत्र के द्वारा गाया हुआ गीत भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव। और ये जो देवकी का पुत्र है यही परमेश्वर, और किसी को ना जानना। हम भी, हम अनंत ब्रह्मांडों के अंत विष्णु भी, गर्भोदक्षाई अनंत विष्णु भी, महाविष्णु भी, उन्हीं के अंश अवतार है, पुरुषावतार, जिनको भागवत में वेदव्यास जी महाराज ने कहा है पुरुषावतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, भक्त्यावेश अवतार, शक्तावेश अवतार, भगवान के अवतार, मनवंतर अवतार, भगवान के अवतार। अंश अवतार रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरोद भुवनेश किंतु कृष्णा स्वयं संभवतः परमापमानयो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे कि जैसे सागर में अनंत लहरें उठती हैं और वापिस सागर में ही विलीन हो जाती है, हे गोविंद आपके विभू में से अनंत अवतार
अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत पृथ्वियों पर अपने अपने उद्देश्य से प्रकट होते हैं और अपनी अपनी लीलाओं को, अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करके वापस आप में ही समाहित हो जाते हैं। यशैक निश्वासिता कालम अभावलंभ्या जीवंती लोमा विला जा जगदानंद नाथा। विष्णुर महान सह यश कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़पति, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं। उनका बहुत फेवरेट ये भजन जो सुबह प्रातः काल में वो सदैव गाते रहे। लोग गलत नहीं समझे इसलिए उन्होंने इस भजन में एक पंक्ति बहुत सुंदर लिखी है कि कौन गोविंद, कोई कह सकता है कौन गोविंद? कोई निराकार को गोविंद कह रहा है, कोई साकार को गोविंद कह रहा है, कोई कृष्ण को गोविंद कह रहा है, कोई एक ओंकार को गोविंद कह रहा है, नहीं नहीं। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, अरे देव की नंदन गोविंदे। जो देव की नंदन के नाम से जाने गए उस गोविंद की बात मैं कर रहा हूं। आदि शंकराचार्य जी महाराज स्वयं शंकर भगवान के अंश अवतार हैं और उन्होंने जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की आराधना की और अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को कृष्ण का उपदेश किया। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमाहं भजामि। वेणुं क्वणन्तं अरविन्दलायताक्षं बर्हावतंसं असिताम्बुद सुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय विशेष शोभं गोविन्दम् आदिपुरुषं तम अहम् भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय चित्वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कल्यान्ति चिरं जगान्ति। आनंद चिन्मय सदउज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदिपुरुषम तमाम भजामि। अरे मूड मन, अरे मूर्छित मन, उस गोविंद का भजन कर, उस गोविंद की याद कर जिसकी कृपा से ये फूल खिलते हैं, अन्न पैदा होता है, जल बरसता है, बादल गरजते हैं, नदियां बही जा रही हैं सागर से मिलने, झरने झरझर निर्मल जल पिला रहे हैं हम सबको। उस प्रभु की कृपा से ये घास पात हरियाली है, वृक्षावली है, हम सब हैं, हमारे बच्चे हैं, मनुष्य के बच्चे पैदा हो रहे हैं उस प्रभु की कृपा से। वायु पवन देवता बह रहे हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहं आसितम् प्राणापान समाकृत्वा पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। भगवान ने कहा कि जो प्राणियों के हृदय में, प्राणियों के आमाशय में, लीवर में जो अग्नि है
वो मैं हूं वैश्वानर नाम की अग्नि, 49 अग्नियों का वर्णन किया है वेदों में। इन 49 अग्नियों में वैश्वानर नाम की अग्नि, स्वयं भगवान ने कहा अहम वैश्वान, अपनी विभूतियों में जहां कहा कि जल स्रोतों में गंगा में हूं, ज्योतिष्मानों में सूर्य में हूं, वेदों में ऋग्वेद में हूं, अग्नियों में वैश्वा नर अग्नि मैं हूं, जो चार प्रकार के भोजन को पचाता हूं। तो भगवान की प्रकाश, भगवान की किरणें सर्वत्र अनंत ब्रह्मांडों में कण कण के ऊपर हैं, इसलिए एक कण भी इंपावर्ड बाय लॉर्ड, एक एटम भी इंपावर्ड बाय लॉर्ड है, भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त है। उस कण में भी भगवान ने अपनी शक्ति को उंडेल दिया है, इसलिए पहली बार जब उस एटम को, उस कण को फोड़ा गया किसी साइंटिस्ट के द्वारा, डॉक्टर निकोलस के द्वारा, जर्मन के डॉक्टर ने यह तोड़ा सिद्ध किया, तो बड़ा विस्फोट हुआ एक छोटे से कण में, एटम में। खुली आंखों से तो देखना दूर है एटम को, बड़े दूरबीन से, खुदबीन से भी असंभव है। 6 और 8 कणों को एक साथ मिला के रख दिया जाए तब कहीं कुछ दिखाई देता है कि कुछ है, इतना छोटा एटम, उसमें भी उस प्रभु की शक्ति है और वो भी अपार शक्ति। उस एटम के फूट जाने से हिरोशिमा में कितने लोग मर गए थे, 120,000 आदमी की जान चली गई थी। इसलिए कहते हैं कि कण कण में भगवान, उसकी शक्ति सर्वत्र है, ओमनीप्रेजेंट। इसलिए भगवान को सर्वव्यापी कहा है। आपके हृदय में भी है, आप सबके हृदय में, प्राणी मात्र के हृदय में, पेड़ पौधों के हृदय में भगवान का वास है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान है और वो भगवान ही ये जीवात्मा की इच्छाओं के अनुसार इसको भ्राम्य भ्रमण कराता है, नचाता है। नर नाचे मरकट की नाई, जाहे नचाहे राम गुसाई, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। नर नाचे मरकट, मरकट यानी बंदर मंकी, नर नाचे मरकट की नाई, जाहे नचाहे राम गुसाई। राम गुसाई तुम्हारी इच्छाओं के विरुद्ध नहीं नचाते, तुम्हारी इच्छाओं के विरुद्ध नहीं नचाते, तुम्हारी जो जो इच्छाएं होती है उसी उसी दिशा में वो नचाते हैं। किसी की धन इकट्ठा करने की इच्छा है, धन के इकट्ठे करने के लिए उसको नचाते हैं। नाचो बेटे, 4 बजे उठो, दौड़ो, ट्रेन पकड़ो, कार पकड़ो, दौड़ो, फैक्ट्री जाओ, इंडस्ट्री जाओ, बेईमानी करो, झूठ बोलो, एन प्रकार धन, क्यों धन चाहिए तुम्हें, तुम्हारी अभिलाषा है कि मैं विश्व का सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति बन जाऊं, दौड़। तो अभी राम गुसाई नचाते ही, नचाने तो वाले तो वही है, उनकी उनकी पावर के बिना कौन नाच
बच सकता है, सांस भी नहीं ले सकती। लेकिन अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए इसलिए अर्जुन को कहा, कर्मणे वाधिकार अस्ते, हे अर्जुन कर्म में तो तेरा अधिकार है, लेकिन तू ये कभी नहीं सोचना कि फल में भी तेरा अधिकार है। नहीं, फल में तेरा कोई अधिकार नहीं, फल तो भावी के हाथ है, भविष्य के हाथ है, मेरे हाथ में है। कर्म तेरे हाथ में है, इसलिए भगवान ने हमको मिनट फ्रीडम दी है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार कर्म कर सकते हैं, लेकिन उसका फल जो है उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तुम काम तो करो बुरे और फल की इच्छा करो अच्छे कि मीठे फल मिले, ये तो फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। बोए पेड़ बबूल के आम कहां से खाएंगे? अगर बबूल के पेड़ बोओगे तो आम कहां से खाओगे? खाओगे दशहरी हापूस लंगड़ा बहुत प्रकार के रसीले आम है, लेकिन आम के तो आम के बीज तो बोए नहीं, बीज तो तुमने बबूल के बोए हैं, फिर कहां से हापूस खाओगे? फिर तो कांटे ही तुम्हारे सामने आएंगे, कांटों को खाओ, मुंह छिलेगा, कटेगा, खून बहेगा, रोगे, चिल्लाओगे, तड़पोगे। नहीं, कर्म सुधारने चाहिए, हमको कर्मों में अधिकार तो दिया है, फ्रीडम तो दिया है भगवान ने, इसका हमको फायदा नहीं उठाना चाहिए, नाजायज फायदा। हमको सत्कर्म करनी चाहिए, हमारा जीवन का रथ सत पथ पर चलना चाहिए, झूठे पथ पर नहीं। लेकिन मूर्ख लोग, हालांकि वो बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन मूर्खता के शिकार है, बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे, रिश्वत लेंगे, डाका डालेंगे, दूसरों को मृत्यु के मुंह में पहुंचाने की तैयारी करते हैं, सुपारी दे देते हैं, मार डालो, कर दो, गद्दार है, धोखे देंगे, धोखेबाज है, सत्कर्म नहीं करेंगे, सत्कर्म से पीछे हट जाएंगे, तुम मुंह छुपा देंगे, दुष्कर्म होगा तो आंख छोड़ी करेंगे, हाँ हाँ हम करेंगे, क्यों नहीं क्यों नहीं, अरे हम करेंगे, हम मंत्री हैं। तो ये मूर्खता, ये अकड़ ही जकड़ है संसार में, जितना संसार को अकड़ से जकड़ोगे, अकड़ से पकड़ोगे, उतने ही जकड़ोगे बेड़ियों में, बच नहीं सकते। भ्रष्ट न्यायालय में बच गए तो उसके धर्मराज के न्यायालय में तो नहीं बच सकते, वहां तो तुमको जम के दूध पकड़ के ले जाएंगे, जम के दूध डंडे मारेंगे, कोड़े मारेंगे, कोड़े बरसाएंगे, तेल के उबलते हुए खड़ाओं में डालेंगे, पकौड़े जैसे भूनते हैं, बचोगे नहीं। ऐसे बुरे कर्म क्यों करते हो जो तेल में जैसे पकौड़ा सिकता है ऐसे सिक जाओ, भून जाओ, उछलो, तड़पो, छटपटाओ। नहीं, ऐसे कर्म करो जिससे तुमको शीतलता मिले और उस परमेश्वर के चरण कमलों की शरण मिले, शेल्टर मिले, छाया मिले, जिसमें आनंद से, सच्चे आनंद से जीवन को जियो। सत पथ पर अपने जीवन के रथ को चलाना चाहिए, इससे आपका परिवार, आप स्वयं सच्चे आनंद का अनुभव करते हुए एक दिन अभ्यास करते करते उस परमेश्वर को रिझा लेते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। सत्कर्म कीजिए, सत्य जीवन धारण कीजिए,
तभी तो आपको सच्चा आनंद मिलेगा। आप झूठे आनंद को लेते हो, जिसको आप ही आनंद कहते हो वो आनंद नहीं है। किसी कार में उछल के बैठ जाना क्या सच्चा आनंद है? अरे ढाई दिन की जिंदगी लाए हो, ये कारें छूट जाएंगी, बंगला छूट जाएगा, तुम्हारे पद प्रतिष्ठा छूट जाएगी, कोई तुमको जानेगा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं, मिट्टी में मिल जाओगे, नाम भी नामो निशान मिल जाएगा, उसको तुम सच्चा आनंद कैसे कह सकते हो? भागवत की कथा है, पृथ्वी माता प्रकट होकर के एक अहंकारी राजा को कहती है कि हे राजन, तुम्हारे जैसे करोड़ों सम्राट जिन्होंने ये दावा किया कि मैं पृथ्वीपति हूं, आज उनका नामो निशान भी नहीं मिलता, कोई नहीं जानता। आज तुम अपने अहंकार के कारण ये दावा करते हो कि मैं पृथ्वीपति हूं, जो चाहे सो कर सकता हूं, ये झूठा अहंकार त्याग दो, थूक दो इसे, इससे तुमको नरक ही मिलेगा, सुख शांति नहीं। कोई बेईमानी चोरी करके, रिश्वतखोरी करके धन जमा करता है, सोने की सिल्ली बना के बाथरूम की टाइल्स के नीचे डाल देता है, वो अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता है, लेकिन किसी ज्ञानी पुरुष से पूछा जाए तो महामूर्ख और अंधेरे में भटकने वाला जीव है, जिसको मालूम नहीं कि जिस राह पर मैं चल रहा हूं उस राह में आगे कांटे बिछे हुए हैं, त्रिशूल बिछे हुए हैं, अंधकूप हैं, काले नाग फनकार मार रहे हैं दसने के लिए, वो भूल जाता है और अंधे पथ पर चलता है, झूठा जीवन यापन करता है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, उसकी दुर्गति हो जाती है मेरे भाई। नहीं, अपने जीवन के रथ को सत पथ पर चलाना चाहिए, हाँकना चाहिए कि चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, किसी को तकलीफ नहीं देना, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, किसी की बेईमानी नहीं करना, चोरी नहीं करना, किसी के हक को नहीं छीनना, अपना ही चारा चलना, अपनी घास खाना, उसमें आनंद मिलेगा तुम्हें। चुपके चुपके दूसरे की घास को नहीं खाना, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, सच्चा जीवन यापन करना, नम्र भाव। भगवान ने 16वें अध्याय में बहुत सुंदर दिव्य संपदा का वर्णन किया है। वो एक सतपथ पर चलने वाले जीवन में होनी चाहिए। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्यो अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्याग शांति रे पैशुनम दया भूतेश्व लोलुप्तम मार्दवम रीर चापलम तेज क्षमा धृति शोचन ऐद्रोह न अति मानिता भवन्ति संपदम दैवीं अभिजातोऽसि अभिजातस्य पांडव। सरल जीवन जियो, सच्चा जीवन जियो, झूठ बोलना छोड़ दो, चोरी नहीं करो, प्रभु प्रसन्न होगा। बेईमानी धोखाधड़ी मत करो, वो गोविंद कृपालु है, तुम्हारे ऊपर दृष्टि रखते हैं सदैव, तुम्हारी सच्चाई से वो प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारी प्रेम कला से वो प्रसन्न हो जाएंगे। प्रेम करना सीखो, प्रेम करो, बैर भाव त्याग दो, थूक दो, वैमनुष्यता छोड़ दो, अजात शत्रु बनो। युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु थे,
उनका कोई शत्रु नहीं था। इतने बड़े सम्राट होते हुए, एशिया के सम्राट होते हुए उनका कोई शत्रु नहीं था इस धरती पर। इतने शुद्ध भक्त थे भगवान की, क्या आप नहीं बन सकते? आप भी युधिष्ठिर बन सकते हैं, आप भी अर्जुन बन सकते हैं। भगवान की आज्ञाओं का पालन कीजिए तो आपका जीवन सुखी होगा, आप भी अर्जुन बनेंगे, आपसे भी भगवान आकर मिलेंगे। प्रेम कला एक ऐसी कला जिसके बिना नहीं किसी का भला। प्रेम कला के बिना किसी का भला नहीं है। आप कलाकार बनिए, प्रेम कला के पुजारी बनिए। प्रेम के लिए फूलों से, पौधों से, वृक्षों से, चिड़ियों से, कोयल से, कौओं से, नागों से, गोधन से, अपने जन से। पराया तो कोई है नहीं, प्रेमी के हृदय में पराया होता ही नहीं। प्रेम गली अति साकड़ी, जावे दो न समाए, दो नहीं समाते उसमें, उसमें तो मित्र ही समाते, दुश्मन नहीं समाते। प्रेम के हृदय में दुश्मन नहीं होता, जगह है। केवल प्रेम, केवल मित्र समाते, मित्र ही समाते, मित्र ही समाते। उसका हृदय सागर होता है, उसमें मित्रों का ही आवेश होता है, मित्र ही प्रवेश करते हैं, शत्रु नहीं। प्रेम गली अति साकड़ी, जामे दो न समाए, दो नहीं समाते। क्योंकि प्रेम करने वाला पहचान जाता है कि सर्वत्र उस प्रभु का ही वास है, तो प्रेम ही करता है, उसके पास प्रेम कला होती है। प्रेम कला से ही प्रेम का पुजारी बनकर उस प्रेम की मूर्ति भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लेता है और उसके धाम को चला जाता है, सदैव के लिए परम आनंद में चला जाता है। ऐसा कीजिए। प्रेम कला एक ऐसी कला जिसके बिना नहीं किसी का भला, किसी का भला नहीं हुआ। प्रेम, प्रेम आपका स्वरूप है, आप प्रेम को लेकर ही पैदा हुए हैं। आपकी पवित्र भावना में प्रेम, ज्ञान, क्षमा और दया ये समाहित है। सारी दिव्य गुण, डिवाइन क्वालिटीज आपकी प्योर कॉन्शियसनेस में है, विद्यमान है। ढक दिया है तो केवल ये काले पीले बादलों में, ये जन्म जन्म की जमी हुई धूल ने उस मिरर को, उस प्योरिटी को ढक दिया है, उसको ही हटाना है। और धूल को हटाने के लिए, उस काले पीले बादलों को हटाने के लिए, उस मैल को हटाने के लिए एक बहुत सुंदर फार्मूला है, वो है भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण, कीर्तन, जप, उस प्रभु के गुणगान करना, कीर्तन करना, उसकी कीर्ति सर्वत्र फैली है उसका गान करना, उसके पवित्र नामों का गान करना। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्तिश तत्रार्पिता नियमिता काला स्मरणीन काला। हे प्रभु, चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, महाविभूति स्वयं साक्षात का भक्त के रूप में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, वो संसार को शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे गोविंद, आपने अपने पवित्र नामों में अपनी सारी शक्ति उड़ेल दी है, लेकिन मैं कैसा अभागा हूं कि मुझे इन नामों में कोई रुचि पैदा नहीं होती, जबकि इन नामों को
जप करने के लिए या कीर्तन करने के लिए या उच्चारण करने के लिए कोई नियम नहीं, कोई समय की पाबंदी नहीं, कोई स्थान की पाबंदी नहीं कि अमुक स्थान पर ही ये नाम लो, अमुक समय में ये नाम लो, कोई नियम नहीं। कहीं भी कभी भी घरे थाको बाहर थाको सदा हरि नाम डाको। अरे तुम घर में रहो या बाहर रहो सदैव हरि का नाम लो। हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाल गाके कहो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ये कोई हिंदू के हक की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो सर्वत्र जहान के लिए भगवान के पवित्र नाम जो सबको ही प्रदान किए हैं उस प्रभु ने, कोई भी। यही तो हरिदास ठाकुर ने कहा जब नवाब हुसैन ने उनको धमकी दी कि हरिदास एक यवन कुल में पैदा होने वाले भगवान श्री कृष्ण के परम शुद्ध भक्त थे और चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में बैठने वाली महामूर्ति थे। जन्म तो उनका मुस्लिम परिवार में हुआ था लेकिन उस प्रभु की कृपा से उस प्रभु के चरणों में आ गए थे। 300,000 नाम जप करके जल पीते थे, भोजन करते थे, 300,000 नाम जप करके माला के ऊपर बोल करके 100,000, उपांशु 100,000, मानसिक 100,000, 300,000 जप करके और जल पीते थे। ऐसे हरिदास पतले दुबले से शरीर में छरेले बदन के भक्त भगवान के। नवाब हुसैन बंगाल के आके धमकाते हैं, रामचंद्र खान भी साथ में है उनका वजीर, कि हरिदास तुम हरि नाम छोड़ दो, तुम्हें मालूम नहीं मुसलमान का मजहब कितना पाक है, जाओ जाओ भाई मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो,
देखो सच्चा मजहब कहां है। हरिदास हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ईश्वर अल्लाह एक नाम मात्र भेद, कोई उन्हें अल्लाह कह के पुकारता है, कोई उन्हें राम कृष्ण कह के पुकारता है। हे राजन, हे नवाब, इसमें क्या आपत्ति है? मैं कृष्ण कृष्ण कह के उनको पुकारता हूं, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे मेरे प्रभु का नाम लेने दीजिए। हराम खोर, मुसलमान होकर हिंदुओं का चलन करता है, ले जाओ इसी इस बदमाश को, कलकत्ता के 22 बाजारों में चाबुक मार मार के इसे बेदम कर दो, फिर इसकी आंखें लाकर आंखें निकाल कर लाना, उन्हें मैं नुमाइश में रखूंगा, जिन्हें देखकर बाकी मुसलमान जाने कि एक मुसलमान परिवार में जन्म लेकर हिंदुओं का चलन करने की सजा क्या है। और ऐसा किया, हरिदास को जल्लादों के द्वारा 22 बाजारों में चाबुकों से मारा गया, और जब वो बेदम हो गया, मर गया पूर्णतया, तब वो नदी में फेंकने ले जा रहे थे जल्लाद, और नदी में फेंक दिया उसकी लाश। लेकिन हरिदास नदी में फेंक देने के बावजूद भी जिंदा हो उठे, किसी जल्लाद ने कहा अरे भूल गया, नवाब ने कहा कि उसके आंख निकाल के लाना, लेकिन जब देखा इन तीनों ने, तीनों जल्लादों ने, कि वो तो जिंदा हो गया, वो तो नदी में भी खड़ा होके और कृष्ण कृष्ण कर रहा है, तब ये घबरा गए। लेकिन अभी लौट के जाए तो नवाब इनको खत्म करेगा, क्योंकि हिरण आंख नहीं लेके आए निकाल करके। तब इन जल्लादों ने किसी हिरण को मार करके जंगल में, और हिरण की आंखें ले जाके नवाब को दी कि लो महाराज उसको मार दिया है और ये उसकी आंखें हैं। नहीं, भगवान एक है सभी के, हमें मस्टर्ड सीड प्लैनेट के ऊपर, ये सरसों के दाने जैसी पृथ्वी के ऊपर 7 बिलियन मनुष्य अब रह रहे हैं, कुछ जानवर बचे हैं, पक्षी जीव जंतु, इस पृथ्वी के लिए ही नहीं, ये गीता का ज्ञान तो समस्त ब्रह्मांडों के लिए है, ये तो सनातन ज्ञान है, ये सभी के लिए है। हिंदू शब्द तो बहुत पुराना नहीं है, ये तो सनातन यानी अनादिकाल से चला आ रहा धर्म है गीता का ज्ञान। गीता ज्ञानम इदम पुण्यम, ये बड़ा पवित्र है। राज विद्या राजगृहम, ये विद्याओं की राजा विद्या है। भगवान स्वयं कह रहे हैं राज विद्या राजगृहम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अर्जुन, ये राजविद्या है, इसको शिरोधार्य करो, अपनी बुद्धि में मस्तिष्क में मन में बैठा लो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। गीता कोई हिंदुओं की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो तमाम ब्रह्मांडों के लिए प्रसारित किया हुआ ज्ञान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट जैनिस्ट जैनिस्ट क्रिश्चियंस ज्यूज, ये कितने कितने दिनों पहले प्रारंभ हुए,
ऐसी जैसे पटबीजड़े पतंगे चमकते हैं रात में जुगनू, ऐसे कोई पहले चमक गया थोड़ा 5000 वर्ष पहले, कोई 3500 वर्ष पहले, कोई 2000 वर्ष पहले, कोई 2500 वर्ष पहले, कोई 1300 वर्ष पहले, कोई 600-500 वर्ष पहले, ये पटबीजड़े चमके ये आईडी प्रकाश की पूर्ण नहीं है, ये पतंगे जुगनू है। प्रकाश की पूर्ण पहचान तो परमेश्वर है और उसका दिया हुआ ज्ञान है जो समस्त ब्रह्मांडों को बांटा है। उस ज्ञान के अंश भागवत में भी है, बाइबल में भी है, कुरान में भी है, बुद्ध के ध्यान में भी, महावीर के ध्यान में और मौन में भी है। वो गीता से इसीलिए तो कहे गीता गागर जैसी लगती है लेकिन इसमें सागर है, ज्ञान का सागर। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एक देव देव की पुत्र एवं, वो परमेश्वर तो एक ही है, उसी को अनेकों नामों से जाना है। अल्लाह कहो तो कोई बात नहीं, राम कहो तो कोई बात नहीं, वाहेगुरु कहो कोई बात नहीं, अगर उस वाहेगुरु को पूर्ण रूप से जानते हैं तो वाहेगुरु भी उसी का नाम है। राम भी उसी का, कृष्ण गोविंद गोपाल नारायण अल्लाह गॉड वही है, सबका वही एक मालिक है। एको बहुना सबका मालिक है। शिरडी के साईं बाबा के कभी जाओगे शिरडी तब मालूम चलेगा, वहां पर उनके मंदिर की दीवारों पर दो शब्द लिखे रहते हैं, सेंटर में ऊपर एक शब्द होता है सबका मालिक एक, और दोनों साइड में क्या होता है श्रद्धा एक तरफ को होती है, सबूरी एक तरफ को, उसमें श्रद्धा रखो और सब्र करो तुमको भी मिलेगा, अच्छा किया है अच्छा मिलेगा, बुरा किया है बुरा मिलेगा, और उससे प्रेम किया है तो खुद मिलेगा, सबका मालिक एक। कितनी शुद्ध ज्ञान है, लेकिन लोग ये संप्रदाय क्या बनाते हैं, युद्ध के मैदान खड़े करते हैं, युद्ध की फौजें सजाते हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, और लड़ते हैं हम जूस हैं, फिर लड़ते हैं क्या, अरे हिंदुओं से मुसलमान लड़ रहे हैं, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड क्रिश्चियन वर्ल्ड हिंदू वर्ल्ड, ये क्या है, ये धर्म का मार्ग नहीं है, ये लड़ाई का मार्ग तो है, धर्म का मार्ग तो समझदारी है, उस एक को समझना और उसकी सेवा करना, चाहे जीसस कहो चाहे अल्लाह कहो चाहे कृष्ण कहो चाहे राम कहो, जो रुचिकर लगे उस नाम से उसे पुकारो, नहीं उसे प्रेम करो। प्रेम कला एक ऐसी कला जिसके बिना नहीं किसी का भला। आज के सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं, अगले सत्संग के लिए आपको सूचना मिलेगी कब और कहां होगा, तब तक के लिए मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्रेम से सुना। जय गोपाल।